हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। ये मेरी राखी बेल और देखिए कितना सुंदर फूल आया हुआ है और इसके हर हर नोड एरिया पे कली बनती है। और ये देखिए कितनी बड़ी बड आती है इसकी। और ये भी कल खिल जाएगा, आज ये एक खिला हुआ है। रोज़ एक दो फूल इसका मुझे मिल रहा है। और ये देखिए कितनी सारी बड्स आई हुई हैं। इसका यही खासियत है, इसकी बड बहुत मोटी आती है जितना बड़ा फूल आता है। और ये देखिए बिल्कुल राखी के जैसा। और ये वाली जो ब्रांच है इस पर भी देखिए कितनी मोटी मोटी बर्ड्स आई हुई हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अपने गुड़हल के प्लांट्स की। ये वाले मेरे रेड गुड़हल सभी मैंने ज़्यादातर कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। और इसको मैंने ज़मीन में लगा दिया था इधर। तो ये मेरा लास्ट ईयर का तैयार प्लांट है। और इसकी आप पहले इसकी खूबसूरती देख लीजिए, कितनी बर्ड्स और कितनी फ्लावरिंग कर रहा है ये डेली डेली। ये देखिए पहले आपको बर्ड्स दिखा देती हूँ। हर ब्रांच पे बंच में बर्ड्स आई हुई हैं। इसमें यहाँ पर कल फ्लावर खिला था, तो जब फूल खिल जाता है तो उसको फिर खिलने के बाद स्पेंट हो जाता है, तो उसे तोड़ देना चाहिए तो और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये देखिए ये इसी का ही है। और बंच में इनकी कलियाँ भी देख लीजिए, मतलब कोई भी ब्रांच इसकी ऐसी नहीं है खाली कि जिस पे कलियाँ नहीं बनी हुई हैं। और दूसरा प्लांट दिखाती हूँ, ये वाला। ये देखिए वो ज़मीन में लगा हुआ है मेरा प्लांट, और इस पे भी खूब ढेरों कलियाँ आ रही हैं। और इस पे भी कल यहाँ पर फूल खिला हुआ था, तो इसको भी तोड़ देती हूँ। और ये भी कटिंग से तैयार है, इसको मैंने इसी बार शिफ्ट किया है मार्च के मंथ में नीचे ज़मीन पर। और ये गमले में लगा हुआ पिछले साल का ही प्लांट है, और इसको कटिंग से तैयार किया था मैंने। कटिंग मैंने पार्क से ली थी। और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर खिला इस बारी। ये देखिए इसको स्पाइडर हिबिस्कस बोलते हैं, और इसमें भी बहुत सारे फूल आते हैं। और अभी स्टार्टिंग हुई है, देखिए कितनी कलियाँ हैं, इधर भी कलियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी। ये देखिए हर ब्रांच में ढेर ढेर कलियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पर भी ये खिलने वाली है, ये भी कल खिल जाएगी। तो अभी इसमें शुरुआत हो गई है। मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि मेरे हिबिस्कस फ्लावरिंग नहीं कर रहे, वो भी मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है। ये देखिए किस तरह से बंच में कलियाँ आई हुई हैं ये। और ये जितना बाउंड्री पे प्लांट्स रखे हुए हैं सब मेरे हिबिस्कस, सभी में कलियाँ बन रही हैं। कुछ रेड कलर के हैं और कुछ स्पाइडर हिबिस्कस हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा कलियाँ मिल रही हैं। और ये वाला मेरा हिबिस्कस पहले मैंने अपने बेड़े में रखा हुआ था बाउंड्री के ऊपर, और इस बार मैंने इसको इधर रख दिया था चांदनी के पेड़ के नीचे। और ये देखिए पूरा भरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कलियों से ये भरा है। ये पूरा साल फ्लावरिंग करता है, और कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मैं केयर भी नहीं करती। जिस तरह से सभी प्लांट्स को अपने खाद देती हूँ, तो इनको भी दे देती हूँ। तो ये तो बिना खाद के भी फ्लावरिंग करता रहता है। कभी कभी मैं इसको नहीं भी देती, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और ये देखिए कितनी कलियाँ हैं, और ये बाहर की तरफ है, लोग फूल भी तोड़ के ले जाते हैं इसके। तो ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा पिंक है और बहुत प्यारा सा पिंक है ये कलर। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और कुछ मेरे ये कटिंग से तैयार प्लांट, ये भी बस सभी कुछ ही दिन में फ्लावरिंग करेंगे। और ये वाला जो है ये भी स्पाइडर हिबिस्कस है, इसमें भी बस कलियाँ आने वाली हैं। तो आज मुझे यही दिखाना था कि मेरे कितने सारे प्लांट्स में कलियाँ बन रही हैं, और सारे के सारे मेरे कटिंग से तैयार प्लांट हैं। मैंने एक या दो प्लांट खरीदे थे जिनमें से कुछ ख़राब भी हो गए, और लास्ट ईयर मैंने 2-3 प्लांट फेंके थे। बिल्कुल कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था, वाइट वाले कीड़े का। तो उसके बाद में कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए थे, और इनको हम टाइम टू टाइम 15-20 दिन में, एक महीने में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। उसके साथ साथ में इन्हें बोन मील की और नीम खली की भी ज़रूरत होती है। तो जब भी खाद डालें तो उसमें थोड़ी सी नीम खली 1-2 चम्मच और थोड़ा सा बोन मील भी मिला लें, और फंजीसाइड टाइम टाइम पर देते रहें। जिस तरह अभी बारिश हुई थी कुछ दिन, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है कीड़े लगने का और फंगस लगने का। तो अगर इनको हम टाइम टू टाइम फंजीसाइड डालते रहें पानी में मिला के, या ऐसे ही गुड़ाई करते हैं और फंजीसाइड डाल दें,
तो इनकी बिल्कुल सेहत ठीक रहती है और बड़े अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और इस तरह से इतनी सारी बर्ड्स लेने के लिए खाली आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट की ही ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और है जो बम्पर फ्लावरिंग दे सकती है और मैं उसको हर साल अप्लाई करती हूँ। और देखिए, आपको ढेरों कलियाँ नज़र आएंगी मेरे गार्डन में, तो वही आज मैं बताने वाली हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप थोड़े से 2-3 रुपये खर्च के ही इस चीज़ को डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है एलम और मैं इस तरह से एलम अपने पास रखती हूँ और इसका छोटा सा पीस इस तरह से या इससे भी छोटा, तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए एक साइड में गमले में या ज़मीन में लगा है तो ज़मीन में। और ये काफ़ी दिन लेता है मेल्ट होने में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप वाटरिंग करेंगे तो उसके साथ साथ में ये आपके पौधे की मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और उसकी सॉइल को एसिडिक कर देगा। तो वैसे भी गर्मियों में ये अच्छा रहता है, ठंडक भी देता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सस्ते में इसको कोई भी ख़रीद सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे खर्चा करना पड़ता है, 2-4 रुपये में ही ये आपके गार्डन में खूब कलियाँ, ढेरों कलियाँ और फूल ला सकता है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और इसको आप पानी में घोल के भी कुछ टाइम पानी में डाल के रखें और फिर मिक्स करके अपने सभी गुड़हल के प्लांट्स को दे दें तो भी दे सकते हैं। बट मैं इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ कि छोटे छोटे पीस करके इसके मैं मिट्टी में गाड़ देती हूँ और धीरे धीरे अपने आप उनको एसिडिक करता रहता है ये। तो जब तक आपकी गुड़हल के पौधे की सॉइल एसिडिक नहीं है, आप कितनी भी खाद डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। और मैं केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करती, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए ये भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है, कोई केमिकल तो है नहीं, तो इसके इस्तेमाल कर लीजिए। और इसका एक इस्तेमाल हमारे अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये इस तरह से इसको आप तवे या कढ़ाई में भून लीजिए और ये इस तरह से पाउडर बना लीजिए, बड़े आराम से हाथ से ही बन जाएगा। और दांतों में दर्द या दांतों में कीड़ा वीड़ा जो कुछ भी है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो इसी तरह से पीस के अपने घर में रख लेते हैं और इसका इस्तेमाल दांतों के लिए भी करते हैं, तो बहुत गुणकारी है ये। तो इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। और रही बात गर्मियों में बचाव की गुड़हल के, तो फ्रेंड्स अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जैसे मेरे गार्डन में 2-3 घंटे की लाइट आती है, लेकिन आती भी दोपहर की है, मॉर्निंग की सनलाइट नहीं आती। बट अभी तो मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाई है, और अगर आपके यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है या पूरे दिन की सनलाइट पड़ रही है, तो दोपहर की सनलाइट से बचाने के लिए आप लोग अभी ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्चिंग कर सकते हैं पत्थरों से, या ये टूटे हुए गमलों के पीसेस आप अपने इसमें पौधों में डाल दीजिए इस तरह से, जैसे मैं डालती रहती हूँ। ये देखिए, टूटे हुए गमले और ये जो दिए होते हैं इस तरह से डाल दीजिए तो मल्चिंग भी हो जाती है, तो इस तरह से भी आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आपके पौधों को अच्छे से बचाती है, तो आप भी इस्तेमाल कर लीजिए और इस तरह की फ्लावरिंग ले लीजिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताती हूँ कि अपने पौधों पे शावरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो गुड़हल को शावरिंग बहुत पसंद है, दूसरा गर्मी में आप सुबह शाम शावरिंग कर देंगे तो गुड़हल बड़े आराम से इतनी तेज़ धूप में भी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यू फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए बाय।